और वैसे भी तू बुलाओ और मैं ना हूँ तो कैसे पॉसिबल है ये. क्या बात है. तो इस नोट पे बताओ क्या सिखाओगी आप मुझे. इसका जो नाम है वो है पनीर पापड़ फ्राई. और इसे एज अ तुम अपने बेटे को उसमें भी दे सकती हो, टिफिन में भी दे सकती हो. वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि पनीर लक्षु का फेवरेट है. तो लेट्स गेट स्टार्ट करें. चलो बनाना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी यानी कि चिकन चिकन की बाहों में मर जाए हम. A classic mom presents Yummy by Mummy with me, Nora Bali, where you learn quick, simple and easy recipes for kids. यमी बाय मम्मी के क्विक टिफिन रेसिपी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है. आज मेरे घर आने वाली है मेरी बहुत अच्छी दोस्त संगीता रोशन. आपने उनका चैनल देखा होगा, उनका चैनल का नाम संगीता रोशन है एंड यू विल फाइंड ब्लॉग्स, रिव्यूज और रेसिपीज. उनकी स्पेशलिटी है इंडियन रेसिपीज. आई गिव देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड आज वो हमें सिखाने वाली है एक इंडियन क्विक टिफिन रेसिपी. अरे आई थिंक शी इज कम. हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग. आ जाओ आ जाओ. थैंक यू संगीता टाइम निकालने के लिए और इतना दूर आने के लिए. थैंक यू यार आपका मुझे बुलाने के लिए. और वैसे भी तुम बुलाओ और मैं ना हूँ तो कैसे पॉसिबल है ये. क्या बात है. तो इस नोट पे बताओ क्या सिखाओगी आज मुझे. मैं सोच रही हूँ कि मैं आज तुम्हें कुछ डिफरेंट रेसिपी सिखाऊँ जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और इवन मैंने वो अपने चैनल पे भी बनाया था. अच्छा, तो वो आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा. क्या होगा. पनीर का है, वो पनीर का डिश है. और इसमें क्या होता है कि पनीर का जो नाम है वो है पनीर पापड़ फ्राई. और थोड़ा सा इसे मिक्स एंड मैच करके बनाएंगे हम. और इसे एज अ तुम अपने बेटे को उसमें भी दे सकती हो, टिफिन में भी दे सकती हो. दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि पनीर लक्षु का फेवरेट है. तो बनाना शुरू करें. हाँ श्योर, लेट्स गो. तो मेरे टाइम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो संगीता, पनीर पापड़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा. इसके लिए हमें चाहिए होगा पनीर के क्यूब्स लिए हैं मैंने, ये 250 ग्राम्स हैं. और 4 to 5 पापड़ लेंगे, रॉ पापड़. और टोमेटो सॉस लेंगे 3 TSP. देन रेड चिली पाउडर 1 TSP. जिंजर गार्लिक पेस्ट ये मैंने 2 TSP लिया है. देन ब्लैक पेपर लेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1 TSP. देन सॉल्ट लेंगे एज पर योर टेस्ट. एंड कॉर्नफ्लावर लेंगे 3 TSP. तो संगीता, पनीर पापड़ बनाना शुरू करें. हाँ जी. तो पहला क्या करेंगे. तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम सॉस को डालेंगे बोल में. देन रेड चिली पाउडर. बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे. हाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसके अंदर. देन ब्लैक पेपर पाउडर. सॉल्ट लेंगे. कॉर्नफ्लावर. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है. अब इसके बाद हमें इसमें पनीर के क्यूब्स को डाल के और अच्छे से मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे. रख देंगे अराउंड हाफ एन आवर. हाँ जी, हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में इसको रख देना है, नॉट फ्रीजर. ओके. तो अब हम इसके अंदर पनीर के जो क्यूब्स हैं वो डाल देंगे एक एक करके. और इनमें अच्छे से ये जो हमने मिक्सर बनाया है, पेस्ट बनाया है, उसकी कोटिंग कर लेंगे. और ये बनने के बाद बहुत ही यम्मी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये. बिकॉज इसमें क्या होता है कि जैसे कि पनीर है ये, तो अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बाहर से बहुत ही क्रंची होता है. बिकॉज अभी हम इसमें पापड़ भी डालेंगे. तो इस तरीके से ये देखिए ऐसे ऐसे करके कोटिंग कर लेंगे. कोटिंग हो जाता है. वैसे मेरा बेटा जो है उसका फेवरेट डिश है पनीर. ओके. तो उसको अलग तरीके से मैं आई होप उसको अच्छा लगेगा. आई एम श्योर. Thank you.
और हमने इसमें जिंजर गार्लिक भी डाला है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला है, तो उससे भी फ्लेवर जो है इसका बहुत ही एनहांस हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा, अंदर से वो सॉफ्ट होगा और बाहर से क्रंची होगा बिकॉज ऑफ पापड़। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसको अभी हम फ्रिज में डाल हाफ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे हम मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद हम अगला प्रोसेस करते हैं। तो अब हमारे जो पनीर हैं ये मैरिनेट हो चुके हैं और इनको पनीर ने जो भी मसाले थे उन्हें अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमने पापड़ लिए थे स्टार्टिंग में दिखाए थे उन्हें मैंने फोल्ड करके देन उसे मिक्सी में पीस लिया है और उसका एक ये थोड़ा थिक सा चूरा सा बना लिया है। अब इसके अंदर हम इनके पीसेस को एक एक करके कोट करेंगे। पापड़ को हमने ना रोस्ट किया है ना फ्राई किया है, कुछ नहीं किया, रॉ पापड़ है ये, जस्ट इसे मिक्सी के जार में पीस लिया है और फिर अब हम एक एक करके इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो या फिर, बट मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले प्लेट ले रही हूँ और एक एक को कोट करके देन हम रखते जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसे अच्छे से हर तरफ से कोट करेंगे। आप हाथ से भी इसे कोट कर सकते हो। ये बहुत ही क्रंची बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था अंदर से बहुत सॉफ्ट लगेगा आपको खाते टाइम और बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रंची होगा ये, और दिखता भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। हाँ, तो हम इसी तरीके से जैसे हमने ये 5 पीसेस को हमने कोट किया है इसी तरीके से हम बाकी के क्यूब्स को भी कोट कर लेंगे इसी पापड़ में। एक बार इसे जरूर ट्राई करें, आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका मजा लेंगे कि ये खाने में कैसे लगते हैं। तो अभी हमने तेल गरम होने के लिए रखा है और तेल हमें उस लेवल तक चाहिए जितने में कि जो हमारे पनीर के क्यूब्स हैं वो पूरे अच्छे से डिप हो जाएं। अच्छा, तो ताकि वो हर तरफ से पक जाएंगे। करेक्ट। तो अब तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छे से और इसे हम लो फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके क्यूब्स डालेंगे आराम आराम से। ये एक तरीके से फिंगर फूड है, इसमें हम टूथपिक डाल के बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप टूथपिक डाल के देते हो लगा के इसमें तो बच्चों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, वो इजीली इसको लेके खा सकते हैं। और अदरवाइज बच्चे तो हाथ से भी खा लेते हैं बट टूथपिक से काफी इजी हो जाएगा उनके लिए। और इसमें जो हमने कोट किया उसमें सॉसेस है तो थोड़ा सा खट्टा मीठा भी होगा क्योंकि बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा बिकॉज इसमें टोमेटो सॉस भी है, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आई एम श्योर, और भी क्रंची हो जाएगा। ये लाइटिश ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है अदरवाइज ये जल जाएगा। बिकॉज पनीर भी बहुत सॉफ्ट है और पापड़ तो यू नो की बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। काफी नया और इंटरेस्टिंग डिश है। एक एक करके इसे निकाल लेंगे आराम से। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर, क्रंची। अब हमारे ये पनीर पापड़ फ्राई बन के तैयार हो चुके हैं और अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे, यानी कि टिफिन बॉक्स में। यहाँ हमने सॉस रख लिया है इसके अंदर और ये इस तरीके से ले गए और इसमें लगाएंगे हम टूथपिक लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, और ऐसे से रख देंगे। देखो एकदम थॉर के हैमर की तरह दिखता है। बच्चों को ये बोल के हम दे सकते हैं टिफिन में।
बहुत प्रिटी दिख रहा है एंड आई एम श्योर बहुत ही क्रंची और यमी भी दिख रहे हैं। आई एम श्योर बहुत ही क्रंची और यमी भी होगा ये। ओके, तो हम लोगों का टिफिन रेडी है। तो अगर आपको इसी तरीके की इजी, क्विक और सिंपल रेसिपीज देखनी हो जो कि फटाफट बन जाएं, तो आप नोरा के YouTube चैनल पर जरूर जाएं और इनके चैनल का नाम है वी क्लासिक मॉम और उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी तरीके की सारी एंटरटेनिंग वीडियोस इनके चैनल पे इजीली देख पाएं। और अगर आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेसिपीज देखनी है, इंडियन रेसिपीज देखनी है, तो संगीता रोशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं मेरा स्पेशल सेक्शन खाने के साथ गाना, जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ एक गाना गाने के लिए जो डिस्क्राइब करेगा उनका करंट फूड मूड। तो संगीता बोलो क्या गाना डिस्क्राइब करता है तुम्हारे करंट फूड मूड को? तो नोरा, जब भी मैं कोई चिकन की रेसिपी देखती हूँ ना, तो मुझे बस एक ही गाना याद आता है। अच्छा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। क्या बात है। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी यानी कि चिकन की बाहों में मर जाए हम। वेरी नाइस, दैट्स ऑसम। यमी बाय मम्मी के क्विक टिफिन रेसिपी स्पेशल एपिसोड्स में आप लोगों का स्वागत है। इस आज कम अरे हाय मम्मी टिंग टोंग खोल दे दरवाजा। टिंग टोंग। मैंने बोला जान से टिंग टोंग बोलो। वन टू थ्री फोर बोलो। एक साथ बोलो ना एंड प्रेस द बेल आइकन। और बोलो 1 2 3 4 एक दो तीन चार। अरे यार यश, व्हाट इज दिस यार, यू नीड टू कीप योर एनर्जी। आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ना भूलना, पहले तो लाइन से क्लियर कर लो कि बोलने क्या वाले हो। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये एक साथ कर सकते हैं। देखो तुम्हें राइम कैसे करना है। 1 2 3 बोलो अभी प्रैक्टिस के लिए। 1 2 3 और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब बोलो एक बार और बेल आइकन को नहीं 1 2 3 करते हुए 1 2 3 और बेल आइकन को प्रेस। संगीत जरूर पहले आ गया आपका। हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है ना, तो जरूर पहले आएगा। 1 2 3 और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आगे पीछे प्रेस कैसे आ गया बीच में? और जरूर प्रेस करें। हाँ आपने हाँ मैंने